आज हम दाल पालक की सब्जी बनाएंगे। ये देखिए कितनी स्वादिष्ट सब्जी बनी है ये। इनको हमने इस सब्जी को हमने दो दाल मिक्स करके बनाई है, चने की दाल और साबुत मूंग की दाल। तो चलिए आइए देखते हैं ये हमने कैसे बनाई। नमस्ते दोस्तों, मैं मीना, स्वागत है आपका मेरी रसोई में। आज हम बनाएंगे दाल पालक की सब्जी। इसके लिए मैंने ये पालक लिया है, इसको मैंने काट कर धोकर अच्छे से साफ कर लिया है। और ये चने की दाल और ये साबुत मूंग लिए हैं, इनको मैंने 2 घंटे पहले पानी भिगो कर रख दिया था। ये अच्छे से भीग चुके हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में दाल कम पड़ जाती है, तो हम इस तरह से दोनों दालों को मिक्स कर दाल पालक की सब्जी बना सकते हैं। और ये मैंने लहसुन, अदरक और 2 हरी मिर्च ली है बारीक कटी हुई। लहसुन और अदरक मैंने ज़्यादा लिए हैं, इनका हम पेस्ट बनाएंगे पीस कर। दाल पालक में इनका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। और ये 4 टमाटर लिए हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये हमने कुकर में सरसों का तेल लिया है, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे और इसको लाल करेंगे। ये जीरा हमारा लाल हो चुका है। अब हम इसमें ये हरी मिर्च डालेंगे। अब हम 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लेंगे। ये हमने 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ली है, आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। और ये 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है। इस मसाले को हम पहले पानी मिला के थोड़ा गीला कर लेंगे, ये इस तरह से। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम मसाला भूनते हैं और हम तेल के अंदर मसाला डालते हैं तो एकदम से हमारा जल जाता है वो, तो हम इस तरह से मिर्च घोलकर तेल में डाल सकते हैं। इससे हमारा मसाला जलेगा नहीं और अच्छे से भुन भी जाएगा। ये मिर्च हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें ये घोला हुआ मसाला डालेंगे। ये देखिए, ये हमारा मसाला उछलेगा भी नहीं और मिर्च जलेगी भी नहीं। ये देखिए कितने आराम से भुन गई है हमारी मिर्च। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। ये अदरक लहसुन का पिसा हुआ पेस्ट है, ये भी इसमें डाल देंगे और इसको 2 मिनट के लिए भूनेंगे अच्छे से। ये हमारा मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें ये दाल डाल देंगे। और ये पालक भी इसमें डाल देंगे सारा। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें हम टमाटर अभी नहीं डालेंगे, टमाटर हम इसमें बाद में डालेंगे, क्योंकि चने की दाल कभी कभी देर से पकती है। वैसे तो हमने चने की दाल भिगो दी थी 2 घंटे के लिए। अब हम इसमें 2 सीटी लगा के इसको पहले पका लेंगे। खट्टा डालने से चने की दाल कभी कभी देर से पकती है, तो इसलिए हम टमाटर बाद में डालेंगे। लग चुकी है, अब देखते हैं हमारी सब्जी। ये देखिए, ये हमारी दाल पक चुकी है और पालक के अंदर से कितना पानी निकल चुका है। अभी हम इस पानी को जलाएंगे और अब हम इसमें ये टमाटर डाल देंगे। और अभी इसमें हम 2 सीटी और लगाएंगे। इसमें सीटी लग चुकी है, अब देखते हैं हमारी दाल। ये हमारी दाल पक चुकी है और अच्छे से घुट भी चुकी है। ये देखिए, अब हम दाल को रसेदार बनाने के लिए इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और पानी डालकर इसको उबाल आने तक 2 मिनट के लिए पकाएंगे। ये हमारी दाल में उबाल आ चुका है।
ये देखिए ये हमारी दाल बहुत अच्छे से पक चुकी है। अब हम गैस की फिल्म को बंद कर देते हैं। हम दाल में तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए हमने कढ़ाई में तेल लिया है। तेल हमारा गर्म हो चुका है और ये बारीक कटा हुआ लहसुन है ये हम तेल में डाल दिया। अब हम इसको लाल होने तक पकाएंगे। लहसुन हमारा लाल हो चुका है। अब हम इसमें दाना मेथी डालेंगे। मेथी भी हमारी लाल हो चुकी है। अब हम गैस की फिल्म को बंद कर देते हैं और इसमें दो सूखी लाल मिर्च डालेंगे। इसमें तड़का लगाएंगे। और इसको ढक देंगे जल्दी से ताकि इसकी खुशबू बाहर ना निकले। हमारी दाल बनकर अब बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। यह हमारी दाल पालक बनकर तैयार है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप इसको मेरे साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।